सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। तो दोस्तों, कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस में हमने बात किया था कि आप ड्राइंग की हेल्प से एक्सकेवेशन का डायमेंशन और डेप्थ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से जो सैंड सोइलिंग का जो डेप्थ रहता है, थिकनेस रहता है, वो फाइंड आउट करोगे और ड्राइंग के अकॉर्डिंग साइट पर किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि PCC का जो ग्रेड है वो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे अपने ड्राइंग में और फिर उस हिसाब से एग्जीक्यूशन कैसे होता है साइट पर। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जब ये आपका PCC कंप्लीट हो जाता है फाउंडेशन का, उसके बाद हमारा शुरू होता है RCC कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमें जाली बिछाना होता है अपने फाउंडेशन के लिए। तो वो जो हमें जाली बिछाना है, तो उसका जो मेन बार है या फिर उसको बोलो बॉटम बार और आपका टॉप बार या फिर मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से ड्राइंग में आपको जज करना है, पहचानना है कि वो कौन सा मेन बार है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बार है और उसके हिसाब से उसका डाया क्या रहने वाला है, स्पेसिंग क्या रहने वाली है, ये हम लोग समझेंगे आज इस वीडियो में। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि इसकी कास्टिंग किस तरीके से ऑनसाइट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो ही टाइप का कॉलम है, मैंने पहले ही बताया है। एक है आपका 10 इंचेस बाय 10 इंचेस और दूसरा है 10 इंचेस बाय 15 इंचेस। ठीक है, तो अभी क्या है दोस्तों कि ड्राइंग में क्लियरली मेंशन ये है कि जिसे मैं रीड कर रहा था कि दोनों के लिए जो हिसाब किताब है ना आपका टॉप बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का, वो सेम है। तो वन बाय वन देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्या है ना, अभी जो ड्राइंग बनता है तो आपका जो टॉप व्यू का प्लान है, ये आपका फाउंडेशन का टॉप व्यू, उसी में आपको ये सिंबल देकर इस तरीके से यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपका मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने डाया का रहने वाला और इसकी स्पेसिंग क्या रहने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे मेंशन है, ये आपका हो गया ड्राइंग, ये जो सिंबल आपको दिखा रहा है वो आपका जाली के लिए दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बता रहा है कि आपका जो मेन बार है वो सेंटर टू सेंटर, सबसे पहले तो आपका 12 mm बार है, ठीक है, मेन बार, और यहाँ पे लिखा है बोथ वेज, मतलब दोनों तरफ। अभी क्या है कि जाली किस तरीके से बिछाते हैं, पहले तो आप ऐसे ऐसे बिछाओगे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है इस तरीके से बिछाते हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ पे ड्राइंग में देख सकते हो कि ऐसे ऐसे ये कंटिन्यू जाने वाला है, ऐसे ऐसे रहेगा और फिर उसके ऊपर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाता है। तो यहाँ पे बोथ वेज, मतलब कि बॉटम में भी आपका 12 mm का बार रहने वाला है और टॉप पे भी 12 mm का बार रहने वाला है। दोनों में जो आपको स्पेसिंग मेंटेन करनी है वो 6 इंचेस। स्पेसिंग मतलब कि जैसे मैंने पहला बार यहाँ पे दिया, उसके बाद जो दूसरा बार मैं प्लेस करूंगा वो 6 इंचेस के सेंटर, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में जो गैप रहने वाला वो 6 इंचेस का रहने वाला है। उसी तरीके से मेरा जो थर्ड आपका जो बार आएगा उसके दोनों के सेंटर के बीच का जो स्पेसिंग रहेगा वो 6 इंचेस रहेगा। ठीक हो गया, तो मेन बार का भी 12 mm रहने वाला है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 6 इंचेस रहने वाला, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो आप इस तरीके से बिछाने वाले हो उसमें भी आपको 12 का सरिया यूज करना है और सेम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मतलब ये स्टील और ये स्टील के सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच का जो स्पेसिंग आपको मेंटेन करना है वो 6 इंचेस मेंटेन करना है। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, आपका जो ये ड्राइंग जब आप देखते हो, अभी यहाँ पे क्या है कि दोनों के लिए ना डाया सेम है, ऑलमोस्ट दोनों का जो डायमेंशन है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो दोनों 5 फीट बाई 5 फीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना कि जो आपका मेन बार होता है वो हम लोग हायर डाया का रखते हैं और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वो हमारा लोअर डाया का रहता है, और फाउंडेशन में जो आपका मेन बार होता है वो सब नीचे प्लेस्ड होता है, मतलब बॉटम में जो आपका बार प्लेस होगा वो मेन बार होगा और उसके ऊपर जो बार प्लेस होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लेस होता है। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर आप ड्राइंग में भी देखकर इस चीज़ को समझ सकते हो। लेकिन क्या है यहाँ पे ना आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स डायरेक्शन में भी जो लेंथ दिया हुआ है वो 5 फीट दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन में भी 5 फीट दिया हुआ है और डाया भी सेम है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ कि आप किस तरीके से इसको रीड आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया, अभी क्या है कि हमें सेक्शन भी देखना होगा। इसके लिए सेक्शन में हमें क्या जानकारी मिलेगा कि हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है वो किस तरीके से हमें प्रोवाइड करना है जाली में। ठीक है, और आपको मेन बार में बॉटम बार में भी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना है, मतलब जो आप इस तरीके से बिछा रहे हैं तो दोनों तरफ आपको एक डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना होगा और आपका जो टॉप बार होगा यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा उसमें भी आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना है, और दोनों के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ का जो हाइट होता है ना वो सेम रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेक्शन देख लेते हैं। तो ये समझ लें कि हमारा कॉलम था, कॉलम हम लोग सामने से देख रहे थे और उसको बीच से कट कर दिया गया, तो इस तरीके का सेक्शन हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है हमें बार क्लियरली देख सकते हो कि ये आपका बॉटम बार है। ठीक है, और उसके ऊपर, ठीक है, अगर आप सेक्शन को सामने से कट करोगे, सपोज कि ये हमारा आप एक एज एन एग्जांपल ले लो कि
इसी का एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ठीक है, कि सपोज कि ये हमारा कॉलम है और मैंने कॉलम को 20 से कट कर दिया, ठीक हो गया। तो जब आप 20 से कट करोगे ना, तो ये आपको जो दिख रहा है वो मेन बार है, ठीक है, और जो ये आप डॉट 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 देख रहे हैं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, मतलब मेन बार के ऊपर का बार डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे बता दिया गया है कि जो आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करनी है 6 इंचेस, ठीक हो गया। तो अभी आपको ड्राइंग देख के समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग में यहाँ पे सिंबल दिया रहता है, वहाँ पे आपको जो आपका मेन बार है और डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका डाया पता करना है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको पता करना है। उसके बाद दूसरा काम होता है सेक्शन ड्राइंग में आपको देखना है। सेक्शन ड्राइंग में आपको ये मालूम चलेगा दोस्तों कि आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है उसका जो थिकनेस है या उसका जो डेप्थ है वो कितना है, जैसे यहाँ पे कितना है 6 इंचेस है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो कि आप सरिया डायरेक्ट और पीसीसी के ऊपर कास्ट नहीं करोगे, पीसीसी और सरिया के बीच में ना आपको यहाँ पे कवर छोड़ना होता है। तो फाउंडेशन में आपको कवर, मिनिमम कवर आपको 50 mm मेंटेन करना है, ठीक हो गया, ये याद रखना। नीचे आपका 50 mm रहेगा, किनारे किनारे आप 40 mm मेंटेन कर सकते हो। तो ये तो हो गया एक कॉलम के लिए। देखते हैं कि दूसरा जो हमारा टाइप का कॉलम है वो डिफरेंट है या दोनों सेम है, आपको एक बार मिला लेना। ऐसा ना हो कि एक कॉलम के लिए आपको अदर डेटा दिया गया हो और दूसरे कॉलम के लिए जो डेटा हो वो थोड़ा अलग हो। तो यहाँ पे 10 इंचेस बाई 15 इंचेस का हमारा कॉलम है। अभी सबसे पहले मेरे को जानना है कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया क्या है और उसकी स्पेसिंग क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिंबल है, एरो दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा हुआ है, 12 mm बार एट द रेट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है इन बोथ वेज, मतलब दोनों डायरेक्शन में आपका जो सरिया यूज होगा वो 12 mm का होगा और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 6 रहने वाली है। ये पता हो गया। अब हमें ये जानना है दोस्तों कि आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है उसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सेक्शन दिख रहा है, ये हमारा बॉटम बार है। उसके बाद ये डॉट डॉट देख रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना है वो 6 इंचेस का प्रोवाइड करना है। अगेन मैं बता दूँ, फाउंडेशन के लिए मिनिमम कवर आपको पीसीसी के तरफ सॉइल, मतलब आपका जिधर एक्सकेवेशन पार्ट है, जो डेप्थ वाला जो पार्ट है, उसमें आपको 50 mm प्रोवाइड करना है और किनारे साइड में जो दोनों साइड है आप वहाँ पे 40 mm का मिनिमम कवर प्रोवाइड करोगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे दोनों सेम था, 6 इंचेस यहाँ पे भी है और 6 इंचेस यहाँ पे भी है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप ड्राइंग की हेल्प से मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो गिवन डेटा है डाया आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है डाया, उसके बाद सेंटर सेंटर स्पेसिंग चेक कर लेना है, किस तरीके से स्टील को लगाना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एनकरेजमेंट या आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है वो कितना आपको प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ आपको ड्राइंग में दी रहती है और इस तरीके से आप ड्राइंग में ट्रीट करोगे। उसके बाद एक और चीज़ होगा दोस्तों कि स्टील का क्या हिसाब किताब होता है। तो ड्राइंग में कभी कभी मेंशन कर दिया जाता है कि जैसे यहाँ पे हमें आरसीसी के लिए M20 ग्रेड यूज़ करना है। M20 हो गया 1:1.5:3, 1 हो गया सीमेंट, 1.5 हो गया आपका सैंड और 3 हो गया एग्रीगेट, और स्टील आपको TMT बार यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप ड्राइंग देखोगे और अपने फाउंडेशन की जाली का जो गिवन डेटा है वो एनालाइज कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।